शाहिद कपूर की इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है कबीर सिंह। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टार कबीर सिंह सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी के साथ शाहिद के एक्टिंग की तारीफ की है। वहीं कियारा को काम भी सराहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन जबरदस्त कमाई कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर सिंह पहले दिन से 14 से 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेंगी। ट्रेंड एनालिस्ट सुमित कादित के अनुसार फिल्म को पसंद किया गया है। यह पहले दिन लगभग 20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। एक्ट्रेस ने खोला राज, कहा बॉलीवुड में अश्लील अनुभव से गुजर चुकी हूँ। लॉन्ग लाइची गाने से दोनों को अपना दीवाना बना देने वाली एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने साल 1998 में आई देवानंद की फिल्म मैं 16 बरस की से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की थी और अब वह पंजाबी फिल्म जगत का पॉपुलर फेस है। हाल ही में पंजाबी फिल्म से बॉलीवुड में रुख करने के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा कि बॉलीवुड में अश्लील अनुभव से गुजरने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया है। लेटेस्ट पंजाबी फिल्म शादा में नीरू ने दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया है। फिलहाल बातें कुछ दिनों वह फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई थी, जिसके बाद 21 जून को यह फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स की तारीफ मिल रही है। लद्दाख में रिया चक्रवर्ती की संग छुट्टियां मना रहे सुशांत सिंह राजपूत। इन दिनों बॉलीवुड टाउन में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के अफेयर की चर्चा जोरों पर है। दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया गया है। हालांकि सुशांत और रिया ने कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं किया है और पब्लिक में दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया है। अब चर्चा है कि दोनों साथ में लद्दाख में छुट्टियां मनाने गए हैं। दरअसल इस बात का खुलासा दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ है। MNS न्यूज लाइफ की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।